तो एक्सरसाइज 3.2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमें कैलकुलेट करने हैं, एक दे रखा हुआ है इसमें से, वन इज गिवन टू अस, और हमें साइन कॉस जो भी पांच होंगे, सिक्स हैं, सिक्स की बेसिकली हम बात कर रहे हैं, सिक्स में से वन एक गिवन होगा और फाइव निकालने पड़ेंगे। तो पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहता है कॉस एक्स की वैल्यू माइनस हाफ है और एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो एक्स यहां पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, ठीक है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ टेन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है और सब नेगेटिव है, ठीक है? अच्छा, कॉज एक्स दे रखा माइनस हाफ, तो कॉज एक्स को तो हम पहले तो हम और भी ये देख लें, कॉज एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ, इसका मतलब कॉज हो गया वन और टू। यहाँ से हम हाइट निकालेंगे, हाइट कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ फोर पाइथागोरस से, अंडर रूट ऑफ फोर माइनस वन दैट इज इक्वल टू रूट थ्री। तो अब क्वेश्चन नंबर वन कर लेते हैं, हमें निकालना है साइन साइन एक्स। तो साइन एक्स तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है, रूट थ्री, और हाइपोटेन्यूज कितना है, टू। अच्छा, साइन क्या आएगा इसका, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होगा, सिर्फ टेन ही पॉजिटिव होगा, तो इसका रिजल्ट आ गया इतना। तो इसे करस्पॉन्डिंग हमने कोसेक एक्स भी निकाल लिया, कोसेक एक्स कितना आ जाएगा, इसका इन्वर्स आ जाएगा, माइनस टू बाई रूट थ्री। दो तो हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाल ली, अब हम निकाल लेते हैं टेन एक्स। अच्छा, टेन तो पॉजिटिव हो जाएगा, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन है माइनस रूट थ्री बाई टू, और कॉस कितना है, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ का उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया, तो ये रूट थ्री आ गया। तो टेन तो पॉजिटिव होगा, सिमिलरली कॉट जो होगा वही पॉजिटिव होगा पर इसका इन्वर्स होगा, तो कॉट का वैल्यू भी आ गया। अब क्या वैल्यू बच गया हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हमारे पास अब क्या रह गया, वी आर लेफ्ट विद सेक एक्स। तो सेक एक्स तो वन अपॉन कॉज एक्स हो जाएगा, कॉज एक्स से माइनस हाफ, तो ये हो गया हमारे पास माइनस टू, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में साइन एक्स का वैल्यू 3/5 एंड एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ठीक है, साइन तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में है और साइन ये कह रहा है कि 3/5 है, तो साइन पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब फिर दोबारा से हमने एक ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल से हम वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स, एक्स ये लिखा हुआ है, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। तो साइन का मतलब ये तो हो गया थ्री, ये हो गया फोर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट बेस, बेस निकाल लेते हैं पाइथागोरस से, तो बेस आ गया फोर, ठीक है? तो साइन दिया हुआ है हमको, लिख लेते हैं पहले, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल लें, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट तो हमें गिवेन है, जो हमें निकालना है लेट अस से कोसेक ले लेते हैं पहले, कोसेक कितना आ जाएगा, 5/3। अब थर्ड निकाल लेते हैं कॉज, कॉज एक्स कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है फोर और हाइपोटेन्यूज कितना है फाइव। साइन क्या लग जाएगा, माइनस, बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारे पास क्या होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, तो ये आ गया -4/5। जब कॉस आ गया तो फिर हम इसका सेक भी निकाल लेते हैं, सेक एक्स तो कॉस एक्स का इन्वर्स होगा, तो -5/4 आ गया। फिर फिफ्थ पार्ट कर लिया, टेन एक्स, टेन भी नेगेटिव आएगा, टेन हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, तो ये आ गया -3/4, राइट? तो टेन आ गया, तो कॉट भी निकाल लिया, तो कॉट एक्स इसका इन्वर्स हो जाएगा, -4/3, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर थ्री, कॉटेक्स इज इक्वल टू 3/4। तो कॉटेक्स इज इक्वल टू 3/4, इसका मतलब टेन एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है, 4/3। तो टेन एक्स का वैल्यू तो आ गया पहले 4/3। एंड एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन ही पॉजिटिव होगा। तो ठीक है, टेन पॉजिटिव दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा पहले इसका और साइड्स निकाल लें। टेन एक्स थ्रू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दे रखा है 4 और बेस दे रखा है 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, पाइथागोरस से ये वैल्यू आ गया हाइपोटेन्यूज 5। चलिए टेन दे रखा है 4/3, तो इसका मतलब कॉट 3/4 दिया हुआ है। तो दो वैल्यूज तो हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब साइन एक्स देख लेते हैं, साइन एक्स कितना होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 5। अब साइन क्या लाएगा, साइन तो हमारे पास क्या होगा, बिकॉज ये एंगल कहाँ पे है, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो साइन तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, तो ये हो गया -P/H, माइनस आ गया साइन। तो साइन का वैल्यू आ गया, तो कोसेक का वैल्यू भी आ जाएगा -5/4, उसका इन्वर्स हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। अब कॉस एक्स इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 4। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होगा, सिर्फ टेन ही पॉजिटिव है, तो कॉस भी नेगेटिव है, तो ये -3/4 आ गया। तो कॉस एक्स -3/4 आ गया, सेक की वैल्यू भी निकाल लेते हैं -4/3। अब फिफ्थ है टेन एक्स, टेन एक्स इज इक्वल टू, ये तो हमें गिविन ही है, तो सारी चीज़ें हमें गिविन है, सारे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए।